मॉर्निंग गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और बीच पे जा रहे हैं। टैनिंग हो चुकी है और अभी थोड़ी सी धूप आई है। देखो उधर से सनराइज हो रहा है, आप लोग को आई थिंक दिख भी नहीं रहा होगा, वो देखो थोड़ा सा सनराइज हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं मैंडरिन बीच पे, वहाँ पे बहुत अच्छा शूट भी हो जाता है और नींद बिल्कुल पूरी हो गई है। बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और दैट्स इट, आज यहाँ से चेकआउट भी है हमारा इस होटल से, और इसके बाद हम जहाँ जाएंगे वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉपर्टी है गोवा की, बहुत ही प्यारी। मैं दिखाऊंगी आपको, क्या कह रहा है? टैनिंग तो हो ही गई है, देखो मैं बची हूँ, मेरे को भी हो ही जाएगी। शोल्डर्स के मसला पर मेरे, ये देखो जिम मिस कर रही हूँ बस अपना मैं। यहाँ पर जिम और हो जाता ना, मज़ा ही आ जाता ज़िंदगी का सच्ची में। अब मैं आपको सीधा बीच पर मिलूँगी, ओके? और एक चीज़ और बता देती हूँ गाइस, कभी भी आप लोगों को कुछ शूट वूट करना है ना गोवा में, चूज़ दिस टाइम, क्योंकि शूट भी अच्छा हो जाता है, घूम भी लेते हो अच्छे से और टैनिंग भी नहीं होती है। अदरवाइज़ इतनी ख़तरनाक टैनिंग हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा क्या ये मैं ही हूँ। नया ड्राइवर आ चुका है, मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत कम पड़ती है, फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी। और क्या, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। गाइस निकल गए हैं, ये रहे नए ड्राइवर हमारे, ड्राइव करके बहुत खुश रहता है। तो मेरा स्यापा थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है और अभी देखो सुबह बिल्कुल भीड़ नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि गोवा में अब, लेकिन जो पार्टीज करने आते हैं वो तो उठते ही 1-2 बजे हैं भैया। हम लोग का अलग है थोड़ा सा, हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि हम पार्टी नहीं करते, पर हाँ इतनी नहीं करते कि बहन जो अपना कुछ और काम ही ना कर पाए। एग्जैक्टली, हम लोग सब लिमिट में करते हैं, थोड़ी सी पार्टी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर जगह घूमना, बहुत ज़्यादा सूट, बहुत ज़्यादा चिल करना। चिल, हमारा चिल ऐसे है कि बैठे रहो और आराम से रिलैक्स हो, बीच के किनारे बैठे हुए हैं, बैंकों वाली अंडियों को ले आए मसाज करने के लिए, बस फिर क्या चाहिए होता। अभी आपको बीच दिखाएंगे, सुबह सुबह कितना सुंदर लगता है, आप खुद ही देखना। साथ भीड़ भी नहीं होती है ज्यादा। गाइस पहुंच गए हैं, पार्किंग पे लगा दिया और देखो सामने बीच, कैन यू सी दैट, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं है, मतलब है लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये देखो एक्सरसाइज कर रहे लोग, मतलब आप सुबह सुबह बीच में रनिंग भी कर सकते हो, इतना मस्त बीच हो रहा है। आई थिंक मैं इस डॉगी को जानती हूँ, अभी मैं नीचे जाके देखूंगी, लास्ट टाइम भी ये इधर ही था। यहीं से जा रहे हैं फिर हम, तो ये आदमी तो कन्फ्यूज ही रहता है। गो फ्रॉम हियर, हम लोग उधर से आए थे और अब हम आ गए हैं इस तरफ, और हमें ये क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा उस तरफ। सो लेट्स डू इट, क्योंकि बीच में से कहीं से कोई रास्ता है नहीं, तो हमें इधर से ही जाना पड़ेगा। ये देखो इनके बीच बीच में ना क्रैब्स होते हैं, जो अभी दिख नहीं रहे हैं पर होते हैं। ये देखो गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं ना, ये उन्होंने ही कर रखे गड्ढे गड्ढे, दिख रहे हैं आपको गड्ढे गड्ढे से। गाइस हम लोग इस तरफ आ गए हैं, देखो वहाँ से क्रॉस करके, ये भी क्रॉस करने का टास्क था गिरते के लिए। ये बीच बहुत सुंदर है और यहाँ पे कोई भी नहीं आता, तो आप जब भी गोवा आओ मैंडरिन बीच पे ज़रूर आना। देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है और कम भीड़ होती है यहाँ पे, इसलिए मेरा फेवरेट है ये, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बीच। क्योंकि बागा कालंगूट इज बिग नो, बिल्कुल मत जाना वहाँ पे अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो। और अब मैं अपना शूट स्टार्ट कर देती हूँ, रील्स बनाती हूँ दैट आई लव द मोस्ट। इसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बस 20 मिनट, 20 मिनट में हो जाएगा हमारा काम। फोटो खिंचवा लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे को बोल रहा है कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवा। तूने बोला मुझे, इसने मुझे बोला गाइस, बहुत आराम है ना,
आपको लगता है मैं बोलूंगी कि मुझे किसी अंग्रेज के साथ फोटो खिंचवानी? हाँ लड़का होता तो मैं फिर भी सोच ली, लड़की के साथ खिंचवा के मैं क्या करूंगी, क्या बायस हूँ। यहाँ पे सीगल्स भी है, सीगल्स बहुत बढ़िया, उम्दा शूट हुआ है, बहुत उम्दा शूट हुआ है। धूप भी आ गई, चलो ना फेस पे उम्दा, ये तो ऊंचा सा उम्दा गाइस देखो ऊपर से वहां से आ रहा है बस, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बस, गाड़ी में बैठ के मिलते हैं आपको दोबारा से। अब तो हो गई गाइस, दोस्त गोवा के डॉगीज बहुत ही दोस्ताना किस्म के हैं, साथ में ही चलेगा अभी हमारे, वहाँ तक सी ऑफ करना आएगा। इधर पे बहुत सुंदर कैफे दिखा हमको पीछे, जैसे ये तो है ही आई लव कुलासे, उधर पे अजूले करके भी है, तो हम लोग शायद वहाँ जाएंगे। ओए कुची, हाय कुची गाइस, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, अब हल्की हल्की धूप आ गई है, चेंज कर लिया हम लोगों ने। ब्रेकफास्ट के नाम पे सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ मैं तो, और ये तो इतना खा लेता है कि इसका पेट ही खराब हो जाता है। चलो घूसे में खून आ रहा है, घूसे में खून ही आता है साले, बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। मस्त देखो सैंडो में घूम रही हूँ, आई लव गोवा गाइज। मैं ले आई हूँ अपने लिए वाटरमेलन, पाइन एप्पल और दो इडली और चटनी, और अब इनकी प्लेट देखिए ज़रा, चट कुछ भर गई है, पूड़ी उड़ी पता नहीं क्या क्या है, ऐसी भी क्या है सांभर। चेकआउट कर लिया है और यहाँ पे आप लोग सोचोगे शॉल क्यों रही है, शॉल नहीं है, दिस इज जो विंटर में गर्म हो जाता है और ठंड में गर्मी में ठंडा, हाँ वो बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, पश्मीना, ये हम थाईलैंड से लाए थे, बहुत अच्छे शॉल है, इसमें गर्मी नहीं लगती साले। तो यहाँ पे टैनिंग, इतनी भयंकर धूप हो रही है, तो बस टैनिंग से बचने के लिए जितना बच पाऊँ, वैसे तो बचना बहुत मुश्किल है, एक ही ऐसा ड्राइवर है, वही तो कर रही हूँ झटके मार मार के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, जो कि यहाँ से 15 मिनट दिखा रहा है, विगवैम नाम है उसका, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है गाइस, वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी अभी, विगवैम गोवा। और बस हम लोग रास्ते में ही हैं, जा ही रहे हैं, वो भी नॉर्थ में ही है, हमारे पास में है 15 मिनट 15 मिनट से। वैसे तो वहाँ पर हमारा चेक इन था 2 बजे का, लेकिन हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से 11 बजे चेकआउट था। एक ये सीन मुझे बहुत ख़राब लगता है कि 11 बजे चेकआउट होता है हर जगह और 2 बजे चेक इन होता है, वो बीच का 2 घंटा इंसान करेगा क्या, समझ रहे हो बात को? तो अब हमने 11 बजे की जगह हम लोग ने 12 बजे चेकआउट करा, ताकि हमारे पास 2 घंटे और मिल जाए हमको, मतलब 1 घंटा मिल जाता। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब लोग समझ रहे हैं ना, हिसाब लगा लेना खुद ही, हिसाब नहीं लग रहा मुझसे घंटों, पहले लगा ले पीछे से ना, टूट करते रहेगा। गाइस मैं आपको थोड़ी देर में आगे ही मिलती हूँ। गाइस मैं आ गए अजूले, अजूले कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, अजूले, अजूल, अजूल ओशन फ्रंट। क्योंकि अभी टाइम है हमारे चेक इन में, दैट्स वाई हम जल्दी आ गए हैं, तो अभी लंच करेंगे यहाँ पे। बहुत ही गंदी धूप है भैया, बहुत ही गंदी धूप, भयंकर धूप, धूप में तो भैया मत ही निकला करो, ऐसे भयंकर टैनिंग होगी, भयंकर टैनिंग, आँख नहीं रही जल्दी, गधा भयंकर। मुझे जल्दी जल्दी बाइक सीखनी है, बाइक सीखने के बाद यहाँ गोवा आके बाइक चलानी है गाइस, हमेशा यही बोलती हूँ हर ट्रिप में और सीख नहीं रही हूँ, इस बार सीखूंगी लेकिन फॉर श्योर।
हमारा क्विनोआ सैलेड। पहली बार तो खाएगा ना, बहुत हाई इन फाइबर होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, मस्त मजा आएगा। मस्त नज़ारे के साथ खा रहे हैं, देखो। गाड़ी में बैठ गए हैं अभी और अब जा रहे हैं विगवैम। टाइम हो गया हमारे चेक इन का, अभी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे अपने दूसरे होटल में। फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। अब डायरेक्ट आपको वहीं पे मिलते हैं। ओके गाइस, पहुँच गए हैं विगवैम और ये रहा रिसेप्शन। मैं एक बार पार्किंग पूछ लेती हूँ। दिस इज एंट्रेंस रिसेप्शन। एक्सक्यूज मी, पार्किंग कहाँ पर है? कार है, हाँ उधर ही खड़ी करनी है। लगेज रिसेप्शन। हम आ गए हैं जंगलों में। इट्स ऑल जंगल। वाओ, ओह माय गॉड, ये है गाइस जिसमें हम रुकेंगे। इसको टिप्पी रूम बोलते हैं, टिप्पी। हे कैट, किटी। और ये वाइट वाला नहीं है जो, ये है, इसको टिपी रूम बोलते हैं। और यहाँ पे भी कुछ कुछ है। वाह, सो ब्यूटीफुल यार, ओह माय गॉड। कुछ बैठने का सिटिंग एरिया अंदर, हॉट शावर। ओके, दिस इज जस्ट टू लाई डाउन इफ समवन वांट्स टू लाई डाउन हियर। सुंदर है ना। मैं एक बार चेक इन करवा लेती हूँ। मैं सीधा अंदर आ गई चेक इन करवा के, देन आई विल शो यू द प्रॉपर्टी। तो गाइस, चेक इन हो चुका है हमारा और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा रूम, हमारा टिप्पी। पहले मैं उनको वो दिखा रही हूँ अपना रूम, ये इनका ही दिखा दूँ क्या, रूम टूर। अंदर कोई है तो नहीं ना? रुको, मैं आपको ज़्यादा दिखाती हूँ क्योंकि हमारे रूम में पूरा अभी सामान वामान भर दिया है। तो हम कुछ ऐसे जगह पर रहने वाले हैं, पूरा रॉ है ये। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ बेड और ये पूरा इस टाइप में है। एंड ये एक संदूक भी दिया हुआ है यहाँ पे कपड़े पर रखने के लिए। इज़न्ट इट प्रिटी? तो गाइस, मैंने आपको अपना पूरा प्रॉपर्टी दिखा दिया और हम लोग अपनी प्रॉपर्टी मेरी नहीं, मतलब जहाँ हम लोग रुके हैं। जैसा लग रहा है साला शिकार और तरी। क्या कह रहे हैं? मुंह धोया हूं, भैया जैसा लग रहा हूं। मुंह नहीं, फेस वॉश नहीं करा तूने एक बार भी अभी तक? क्यों नहीं धो रहा है फिर फेस? तो मैं कह रही थी कि प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने देख ली है और टिप्पी में एसी नहीं है, जो कि मुझे पता था, इसको नहीं पता था। पता नहीं इसको कैसे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था और मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी थी। एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, मैंने कहा देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा है अभी तक तो, गर्मी तो है, देखो नो डाउट गर्मी है। अगर आप गर्मी नहीं सहन कर सकते हो देन डोंट स्टे इन टिप्पी। इनके पास और भी ऑप्शंस है, एसी वाले रूम्स का भी है, तो आप लोग वहाँ पर भी रुक सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं शायद अजूल दोबारा से, जहाँ हम लोग दिन में बैठे थे यहाँ आने से पहले। बहुत अच्छा जगह था वो, तो वहाँ बैठेंगे। एक रूम और दिखाओ मैं इनका आपको, रुके। ये देखो, वेलकम, काइंडली रिमूव योर शूज़। तो इनका ये पिंक सोफ़ा है, ये है, ये है, इधर भी मिरर भी है। हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, बस आपको अपने शूज़ ओपन करने हैं। एंड इधर भी मिरर भी है, सी दिस।
दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। बिल्कुल ही रॉ है, बिल्कुल रॉ। अभी रात को भी बहुत सुंदर लगेगा। मेरे घर पे भी सेम ऐसा पिंक सोफा है। गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अजूल, नहीं जाके, चलो अजूल नहीं जाके, अब हम जा रहे हैं लव एना, वो भी इधर ही है, मॉर्जिम में ही है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, उधर ही कुछ खाएंगे, इस बारे में बाद में आ जाएंगे। वो भी काफ़ी अच्छा है, अभी जाके दिखाएंगे आपको, भी रास्ते में ही है। गाइस ये है लव एना, फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे। इस वहाँ में मस्त मसाज चल रही है किसी अंग्रेज की, वो देखो। दिस इज लव एना, लव एना। क्या ऑर्डर किया तूने? पता नहीं क्या था, उमा पिटा ऑर्डर किया। क्या था? उमा पिटा कुछ था। बर्गर फ्रेम स्माइल कर इधर। गाइस मैंने ऑर्डर किया एवोकाडो टोस्ट, अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। दीप से पूछा है पर वो इंटरेस्टेड नहीं है खाने में, तो मैं ही खाऊंगी। वॉक कर रहे हैं खाने के बाद। आओ मैं आपको समुंदर में लेके चलती हूँ। कुछ हुआ भी नहीं होता, मुझे पहले डर लग जाता है पानी में। हेलो गाइस, आज हम लोग ऐसे सदमे में गए हुए हैं। देखो हम कहाँ सो रहे हैं, एसी से सीधा पंखे पे आ गए। सी क्या कहना चाहेंगे आप? हाउ आर यू फीलिंग? मैं जा रहा हूँ अपने कैंप में। थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ पे, और मेरे को ऐसे सोने में अनकंफर्टेबल नहीं है, मेरे को ये हो रहा है कि मेंढक जो है ना बाहर, मेंढक इतने बड़े बड़े, मैं उनको नहीं देखना चाहती हूँ। मेंढक तो सांप भी होगा उड़ता हुआ तीर लेना, आज मुझे लग रहा है कि मैंने लिया है। नीचे से जुड़ के रहूंगी दीप। मैं इसको कह रही थी टिप्पी 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 कर रही थी कि इस रूम का नाम है टिप्पी, और अब मुझे ऐसा हो रहा है कि मैंने क्यों बोला, क्यों मैंने बोला इसको टिप्पी में आने के लिए। हाँ तो अब हम लोग कल यहाँ से टिप्पी बनाएंगे सुबह। हम यहाँ से कल चेकआउट कर देंगे, और चेकआउट करके जाएंगे वूपर्स हॉस्टल है किधर पे, अच्छा सा वहाँ जाएंगे। हॉस्टल ही हो, हमारे लिए तो रूम ही हो। हमारे लिए तो रूम है वहाँ पे, बट वो एक हॉस्टल भी है वहाँ पे, आपको बंकर्स भी मिल जाएंगे, रूम भी मिल जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, और अच्छा है, एसी भी होगा। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे पंखे की हवा अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं रुक पा रही। दिन में बहुत गर्मी हो जा रही है, अभी तो अच्छा ही लग रहा है वैसे, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। मतलब अगर सुसु भी मुझे आए ना तो हो सकता मैं इधर ही कहीं पर कर दूँ, बाहर नहीं जाऊँगी। लेकिन तो बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। बीच में थोड़े हम लोग वार्तालाप कर रहे थे क्या करना चाहिए करके, तो हमने यही डिसाइड किया कि कल हम चेकआउट कर देंगे, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इसे रुकने का। और सुबह मिलेंगे आपको नई सुबह के साथ। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग ब्लॉग यहाँ तक देखोगे नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, प्ले कर दो वही बहुत है। ओके गाइस गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि। और अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो। टिप्पी में रह के टिप्पी हो गई।